हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत जाली वाली डिज़ाइन लेकर हाजिर हूँ। जाली के बाद ऊपर मैंने फ्लावर बनाया है। ये फ्लोरल पैटर्न बहुत ही खूबसूरत है। इसके लिए हम 10 के मल्टीपल्स प्लस 2 एजेस के लिए और +1 का ऐड करेंगे। मैं आपको ये पैटर्न छोटे से पैटर्न में बताऊंगी, जिसमें हम 23 स्टिचेस का यूज़ करेंगे, 20 +1 +2। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वन स्लिप किया मैंने, 2 3 एंड 4। उसके बाद हम 2 स्टिचेस को एक साथ नेट करेंगे, ये ऐसे। फिर हम एक में लपेटे और एक में जाली बनाई, फिर लपेटा हमने और हम 2 का 1। फिर हम बुनेंगे 1 2 3 4 5 और हम इसका 2 का फिर 1 करेंगे नेट करके, और उसके बाद फिर हम ऐसे लपेटेंगे और एक जाली, फिर दूसरा करेंगे, फिर हम 2 का 1 करेंगे और बाकी बचे हुए 4 फंदों को सीधा बुन लेंगे और सेकंड रो को कंप्लीट उल्टी बुनेंगे। सेकेंड, फोर्थ, जितनी उल्टी साइड से होंगे सबको हमें उल्टा ही बुनना होगा। थर्ड रो स्टार्ट हो रही है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और 2 फंदे को बीनेंगे, तीसरा। अब देखिए, ये साइड वाला जो घटाया था मैंने पहले 2 का 1 किया था, उसी पे फिर हम 2 का 1 करेंगे। ये मैंने सीधा बुना और अब हम इस वाले फंदे को भी बुन लेंगे सीधा ही, जो जाली वाला है, और उसके बाद हम लपेटेंगे। यहाँ जाली बनेगी, फिर लपेटेंगे और देखिए एक जाली बनाएंगे। जाली वाले फंदे को आपको घटाना नहीं है, ये जाली से बड़े हुए हैं। अब हम इस वाले फंदे को ऐसे करेंगे और इन दोनों को मिलाकर घटा लेंगे। ये घट गए और अब 1 2 3, अंदर की तरफ अब 3 फंदे बचे हैं। देखिए
इस वाले को और इसको मैं घटा दूंगी। पहले हमारे पास 5 फंदे थे अंदर, अब 3 हो गए। फिर हम इसे सीधा बुन लेंगे। उसके बाद ये फंदा है जो जाली बढ़ेगी, जहाँ इस तरह हमने लपेटा और यहाँ सीधा बुन लिए, और फिर अब लपेटे और इसे सीधा बुने। इस फंदे को नहीं घटाएंगे क्योंकि ये जाली से बढ़ा हुआ फंदा है, हम इन साइड वाले 2 फंदों को घटा देंगे। अब हमारे पास कॉर्नर में 3 फंदे बचेंगे, जिस तरह पहले हमारे पास 3 फंदे थे शुरुआत में हो गए, उसी तरह हम लास्ट में 3 फंदों को भी सीधा बुन लेंगे। दोनों साइड के फंदे इक्वल होने चाहिए। अब 4th रो है, 4th रो में सारे फंदे उल्टे भी नहीं जाएंगे, जिस तरह हमने 2nd रो में बनाया था। ये फंदा हम रॉन्ग साइड का 1 स्किप किए और बाकी फंदों को हम उल्टा बीन कर अपनी रो कंप्लीट करेंगे। फ्रंट के 1 फंदे को स्लिप करेंगे 5th रो में और उसके बाद 1 फंदे को नेट करेंगे। अब हमारे पास साइड में 2 फंदे हैं और हम ये फंदे को लेकर दोनों को, देखिए ये वाले को थोड़ा सा लूज करते हुए हम इन दोनों को लेके 2 का 1 करेंगे, और ये जाली से बढ़े हुए 2 फंदे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। उसके बाद हमें जाली बनानी है बीच वाले पे, लपेट कर मैंने जाली बनाया, फिर लपेटा और इन 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। उसके बाद ये जो कॉर्नर में है इसे हम घटा देंगे 2 फंदों को। देखिए बीच में पहले 5 थे, फिर 3 हो गए, और अब हमारे पास सिर्फ 1 फंदा बचेगा। ये देखिए ये 1, और ये वाले ये और ये वाले आपस में घट जाएंगे। के बाद देखिए हम इसे नेट करेंगे, इसे भी नेट करेंगे और एक बार लपेटेंगे और इसे नेट करेंगे, एक बार लपेटेंगे, और ये 2 जाली से बढ़े हुए फंदे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। और अब हम ये जो 2 का 1 करते हैं और सामने वाले को लेकर 2 का 1 बनाएंगे, ये हो गए। और अब देखिए ये 2 फंदे हम प्लेन बुन लेंगे। ये हमारी 6th रो स्टार्ट होगी रॉन्ग साइड से, 5th कंप्लीट होने के बाद 6th रो में सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 7th रो से पैटर्न चेंज होगा, फ्लोरल पैटर्न स्टार्ट होगा, जालियां बननी बंद हो जाएंगी। 3, 4, 5, 6 के बाद ये 7वें वाले पे हम स्टार्ट करेंगे, दूसरा ऊन लगाएंगे इस पे। ये हो गया 1, और बाकी फंदों को हम
येलो कलर से मोम लेंगे, सीधा ये देखिए पीछे वाले जो ये वाले थ्रेड है हमें इसको इसमें दबाते हुए चलना है। क्योंकि हमने इस थ्रेड में गांठे नहीं लगाई हैं तो ये अगर आप पीछे से इसे दबाएंगे नहीं तो ये खुल जाएगा। हमें इस डिज़ाइन में ना कोई फंदा घटाना है ना किसी फंदे को बढ़ाना है, प्लेन बुनना है। सिर्फ बीच वाले फंदे जहाँ जाली बन रही थी वहीं रेड वाला ऊन लगाना है फ्रंट साइड से और बैक साइड से दोनों जगह से। देखिए ये हमने अब यहाँ एक रेड और लगा लेंगे, ये हो गया। और उसके बाद बाकी फंदों को हम प्लेन बुन लेंगे। देखिए रॉन्ग साइड स्टार्ट हुआ, पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी फंदों को उल्टा बुनेंगे यानी पर्ल। बुनते हुए हम अब रेड के जो बुने हुए हैं उसके साइड में जो फंदे होंगे उन्हें भी हम रेड से बुनेंगे। देखिए ये इसे हम रेड कलर से बुनेंगे, मीन्स जहाँ हमारा एक था रेड कलर का फंदा अब वहाँ हमारे पास तीन फंदे रेड हो जाएंगे। जैसे इसमें मैंने बनाया है एक के बजाय अब तीन, इसी तरह हम दूसरे वाले में भी बनाएंगे। साइड का एक फंदा स्किप करेंगे और बाकी देखिए तीन फंदे हमें प्लेन और बिनना है एक स्किप करने के बाद। तीनों को हमें सीधा बुनना होगा, ये मैंने देखिए सीधा बुना। और अब हमें इसमें पांच फंदे लाल बुनने हैं तो हम एक पहले बुनेंगे और तीन हमारे पास हैं, ये पहले वाला फंदा रेड, दूसरा तीसरा चौथा देखिए पांचवा। सेम इसी तरह दूसरे फ्लावर पे भी हमें तीन की जगह पांच करने हैं इस साइड की रेड। और रॉन्ग साइड से भी इसी फंदे को हमें पांच बुनना है दो बार, मतलब तीन फंदे हम एक बार भी नहीं थे पर पांच वाले फंदे हमें दो बार बुनने हैं। देखिए रॉन्ग साइड से हमने दो फंदों को उल्टा बुनना है, लाल एक बीच में येलो कलर यूज करेंगे हम, राइट साइड से नहीं रॉन्ग साइड से। ठीक है फिर हम इन दो फंदों को रेड बुनेंगे और इसी तरह इस डिज़ाइन पे भी हमें दो फंदे रेड बुनने हैं, एक फंदा क्रीम एंड देन दो रेड। इस तरह करते हुए रॉन्ग साइड कंप्लीट करेंगे। 10 रो कंप्लीट होने के बाद 11 रो स्टार्ट होगी, एक फंदा हम स्किप करेंगे। देखिए एक दो तीन ये चौथा फंदा भी हम येलो कलर से बुनेंगे, पांचवा भी येलो कलर से बुनेंगे। स्किप के बाद से पांच फंदे बुनेंगे, मतलब टोटल स्किप को लेकर 6 फंदे हैं और उसके बाद हम इस येलो वाले पे रेड बुनेंगे। सिर्फ एक फंदा रेड बुनना है और बाकी सारे फंदे हमें येलो बुनने हैं।
सेम इसी तरह दूसरे वाले फ्लावर को भी हम कंप्लीट करेंगे ये वाला, और करते हुए रॉन्ग साइड में हम उल्टा ही बुनेंगे येलो कलर की थ्रेड से और हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। फिर टू रो और हम बनाने के बाद प्लेन अपना पैटर्न चेंज करेंगे। 12 रो कंप्लीट हो गई है, 13 रो स्टार्ट होगी। देखिए 13 रो में ये बीच वाले हिस्से में डिज़ाइन बनेगी, पर 13 रो हमें प्लेन बनाना है, 13 और 14 रो, ये टोटल डिज़ाइन 14 रो में होगी कंप्लीट। हम 2 रो और प्लेन बना दे रहे हैं। देखिए 15 रो स्टार्ट होगी, 15 रो में डिज़ाइन यहाँ स्टार्ट होगी। पहले मैं ही इनको बना ले रही हूँ तब आपको बता रही हूँ कहाँ से स्टार्ट होगी। देखिए डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, ये है हमारा बीच वाला फंदा ये, पर इससे पहले हमें ध्यान देना होगा कि दो फंदों को हमें घटाना है, इसलिए मैंने देखिए बैक साइड में खोल लिया है क्योंकि हमें दो फंदे घटाने हैं। अब देखिए हम ये फंदे यहाँ से ले जाएंगे आगे से और इनको घटा देंगे दो फंदों को, क्योंकि दो जालियाँ बनेंगी और अब हम इस पर जाली बनाएंगे एक, ये मैंने जाली बनाया और दूसरी जाली यहाँ बनेगी और हम इस फंदे सीधा करेंगे और इन दोनों फंदों को मिलाकर बुन देंगे। ये देखिए ये मैंने बुना, उसके बाद बाकी फंदे हम प्लेन बुन देंगे और हमारी डिज़ाइन सेम उसी तरह स्टार्ट हो जाएगी जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी। यहाँ दो के बीच में सिर्फ एक ही फ्लावर बनेगा, ये देखिए। अगर आपको हमारी ये डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्रिएशन के साथ फिर मिलूँगी। थैंक यू।